ओके, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 एससी वर्मा पार्ट 1. अ पुलिस जीप इज चेजिंग द कल्प्रिट गोइंग ऑन टू द मोटर बाइक. द मोटर बाइक क्रॉसेज द टर्निंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. है ना, कोई टर्निंग को क्रॉस किया, सपोज ऐसे ऐसे कोई टर्निंग है, यहाँ से क्रॉस करके आगे जा रहे, टर्न भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. टर्निंग में कोई, टर्निंग का मतलब क्या, मार्किंग है वहाँ पे कुछ, इसको इससे आगे का काउंट करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग, सम लैंडमार्क है ना. तो टर्निंग एट द स्पीड ऑफ, मोटर बाइक क्रॉसेज टर्निंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. द जीप फॉलोज इट एट द स्पीड ऑफ 90, क्रॉसेज द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर. वो बाद में 10 सेकेंड बाद वहाँ से क्रॉस हुई है ना. एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच. सपोज ये टर्निंग थी, यहाँ से कितना आगे जाके यहाँ पर कैच करेंगे. तो S1 इज इक्वल टू S2 दोनों के लिए. ये थोड़ा स्लो चल रहा था, पुलिस वाली जीप थोड़ा फास्ट आई, बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टर्निंग इज इक्वल. तो ये जो है इसका 72 है, थीफ जो है कल्प्रिट जो है, तो 72 से मतलब 20 मीटर पर सेकेंड उसने टाइम टी लिया है, एक टर्निंग से यहाँ तक का टाइम टी. और पुलिस वाला भी, पुलिस जीप ने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन 10 सेकेंड बाद उसने स्टार्ट किया यहाँ से, तो 10 सेकेंड कम टाइम ले गया वो, है ना. वैसे भी देखो यहाँ 25 आया, तो ये टाइम इंटरवल कम होना चाहिए, ये छोटी वैल्यू है तो टाइम शुड बी मोर. कॉमन सेंस से बोल सकते कहाँ पर टी माइनस 10 आएगा. तो यहाँ से हमने टी निकाल दिया, 50 सेकेंड में वो कैच करेगा, है ना. तो डिस्टेंस कवर्ड इस, अभी ये टी 50 आया तो ये कितने से चल रहा है, 20 से, 20 इंटू 50, 1000 मीटर पे जाके दे विल बी मीटिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर. एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक. तो ये सब, ये ओवरटेक करना है ये वाली कार को, ये जो फास्ट चल रही है वो ओवरटेक करेगी उसको, है ना. तो टोटल ओवरटेकिंग में कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, 5 मीटर इसका, 5 मीटर इसको, 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. रिलेटिव रिलेटिव डिस्टेंस 10 मीटर है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB, A फास्टर है, तो दोनों का जो डिफरेंस है 18 आ रहा है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा 5 आ जाएगा, टाइम 2 सेकेंड. रिलेटिव जो उसका जो क्रॉस करने में, पहले धीरे धीरे पीछे से आएगी, यहाँ से जब उसको ओवरटेक करना शुरू करेगी तो 2 सेकेंड में पूरा ओवरटेक कर जाएगी, ठीक है. तो समझ लो ये यहाँ पे थी, उस समय ये यहाँ पर थी, है ना. तो कितना रोड उसने यूज़ किया, 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर लेगी, 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस 60 से चल रही है तो मीटर में, 60 किलोमीटर पर आवर से तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 33 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो 33 मीटर उसने ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0.33 छोड़ दिया, लेकिन वो खुद 5 मीटर लंबी है तो वो भी रोड यूज, उसने क्या बोला, हाउ मच, क्या पूछा गया, टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड. तो ये भी तो उसने यूज़ की डिस्टेंस यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना. तो प्लस 5 ऐड कर देंगे उसमें तो 38 मीटर हो जाएगा, ठीक है, टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड. चाहे यहाँ से यहाँ काउंट कर लो, ठीक है. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 50. मैक्सिमम हाइट निकालनी है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दिया, अच्छे से यू स्क्वायर बाई 2g, और टाइम का मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम u बाई g होता है. काइनेमेटिक इक्वेशन से यू निकाल सकते हैं इसको, 5 एंड हाफ ऑफ द हाफ, हाफ स्पीड कितनी हाइट पे होगी, तो इसकी जो स्पीड है 50 है, हाफ में 25 लेंगे इसको, नहीं, हाफ ऑफ द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट निकाली हमने 125 उसके मिड पॉइंट पर, तो वो स्पीड निकालनी है. तो इनिशियली तो है फार्मूला यूज किया है ये,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना, टू ए एस। तो फार्मूला लगा के वी कैन यूज इट फाइंड आउट। तो यू 50 है और माइनस जी जो है माइनस 10 नीचे, टू माइनस 10 माइनस आगे शिफ्ट कर दिया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम 125 बाई टू, तो ये टू यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गई वैल्यू 1250। तो दिस इज 35.35, इट इज़ क्लोज टू 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून गोइंग अप एट द स्पीड ऑफ 7। इफ द बलून वॉज एट हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे हाइट से हमने छोड़ा, देखो हाइट से छोड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एक्सलेशन भी नीचे, तो इसलिए माइनस, ये भी माइनस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइनस लेना है, और जी तो माइनस लेते ही, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर से नीचे है ना, इसलिए माइनस लेना पड़ता है। ये माइनस नहीं लिया तो रॉन्ग हो जाता है। तो व्हेन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 4.3 सेकंड आता है, इसका आंसर 4.23 आ रहा है, बट बुक में 4.3 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो ठीक है, फिर से वही फार्मूला, यू स्क्वायर बाई टू जी, राइट, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। देखो ऐसे जा रही, 1 सेकेंड यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गई, फिर रिवर्स जर्नी करेगी, तो 1 सेकेंड में जितना ऊपर जाएगी 1 सेकेंड में उतना नीचे आएगी, तो रिवर्स जर्नी का निकाल लिया, जीरो से ड्रॉप करना होगी, शुरू होगी, तो यू प्लस 80 जीरो 9.8 into 1, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, क्या निकालना था इसमें, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द, तो यहाँ पे उसकी जितनी वेलोसिटी हो जाएगी ये 9.8, उतनी उसकी यहाँ रही होगी, धीरे धीरे ये जीरो हो जाएगी, और यहाँ से जीरो से वो बढ़ जाती, तो रिवर्स उसमें करेंगे तो ऑलवेज इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट। एंड डज दिस आंसर ऑफ दिस पार्ट चेंज द इनिशियल वेलोसिटी, नो इट विल नॉट चेंज, हमेशा वही रहेगा, लास्ट जो है 1 सेकेंड में जितनी स्पीड रहती है 1 सेकेंड पहले उतनी इतनी ही रहेगी हमेशा, कितनी भी फास्ट फेंको तो डजेंट चेंज। रिवर्स जर्नी से हम श्योरली बोल सकते, रिवर्स जर्नी में 9.8 मीटर 1 सेकेंड में पिक करती है, तो इनकमिंग जर्नी में, अपवर्ड जर्नी में वो 9.8 मीटर रही होगी पर सेकेंड, धीरे धीरे वो जीरो हो जाती है टॉप में। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल हिंट फॉर यू डू सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अदर वे, रिवर्स ऑर्डर। द पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग द बॉल एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजिशन ऑफ 3rd, 4th and 5th बॉल व्हेन द 6th बॉल वॉज अबाउट टू बी ड्रॉप। जो 6th बॉल इज अबाउट टू बी ड्रॉप, 6 सेकेंड है ना, तो 6th सेकेंड हो चुके थे, तो 3rd बॉल जो है वो 3 सेकेंड की जर्नी कर चुकी थी, तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी जो है 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो 44.1 मीटर ऊपर से नीचे आ गई। फोर्थ बॉल कौन सी होगी, लास्ट फोर्थ बॉल कितने टाइम में ड्रॉप होगी, फोर्थ बॉल कितने टाइम, कितना ट्रेवल, कितना टाइम उसका होगा, फोर्थ बॉल को 2 सेकेंड, फोर्थ बॉल जो होगी दैट मस्ट हैव ट्रेवल ओनली 2 सेकेंड, है ना, क्योंकि 6th बॉल तो अभी ट्रेवल ही नहीं किया, 5th बॉल ने 1 सेकेंड ट्रेवल किया, 4th बॉल ने 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा। कौन से फार्मूले लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाफ जी टी स्क्वायर वाले फार्मूले लगा रहे, ठीक है, तो इसमें 2 पुट कर दिया, और 5th बॉल को 1 सेकेंड ही जर्नी हुई तो 1 पुट कर दिया, है ना, तो 19.8 4.9 बिलो द टॉप, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस है, फोर्थ में हमें 2 लेना है, दिस इज़ द 2, इसके लिए टी जो है 2 लेना है, 5th बॉल जो है जस्ट 1 सेकेंड पहले रिलीज की गई, तो 1 सेकेंड, ये मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ यंग हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग सी द किड्स स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर। उसने देखा 11.8 मीटर हाइट से किड्स नीचे स्लिप हो रहा है,
विद व्हाट स्पीड ही शुड रन, है ना। तो उसकी हाइट 1.8 मीटर है, तो 11.8 से 1.8 माइनस कर दो तो 10 मीटर, तो 10 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो यहाँ से निकाल लिया हमने रूट 2 सेकेंड्स आ रहा 10 मीटर गिरने में, तो टाइम मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट ही शुड रन, तो डिस्टेंस कवर कितनी करनी है 7, वी निकालना है, टी रूट 2 है, तो वी इक्वल टू 7/√2, 1/√2 की वैल्यू 0.7 होती है, तो ये 4.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। रूट 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, उसकी वैल्यू 0.7 होगी न्यूमरेटर में आने के बाद। 28 क्वेश्चन देखते हैं। एनसीसी परेड इज गोइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर द बेरी ट्री ऑन विच द बर्ड इज सिटिंग एट द हाइट 12.1 मीटर। एट अ पर्टिकुलर स्टैंड द बर्ड ड्रॉप्स बेरी विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट दैट स्टैंड विल रिसीव द बेरी। तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया हमने, इतना। तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं 6 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.6 मीटर पीछे जो होगा पेड़ के उसके ऊपर गिरेगा, जब तक वो बेरी नीचे आएगी ये उसके बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा। तो द कैडेट 2.6 मीटर बिहाइंड द ट्री विल रिसीव द बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड, G10 लेना है। तो देखो अभी इसमें रिवर्स वे में सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे आ रही बॉल, लास्ट 6 मीटर जो है 0.2 सेकेंड में ट्रेवल कर दिया है। तो अगर हम ऐसे अज्यूम करें, यहाँ से बॉल को हमने फेंका ठीक है ऊपर की तरफ, तो 6 मीटर 0.2 मीटर 0.2 सेकंड में 6 मीटर ट्रेवल करें तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो अपवर्ड जर्नी के लिए निकाल सकते बिकॉज डाउनवर्ड जर्नीज एंड अपवर्ड जर्नीज सिमेट्रिक रहती हैं, तो लास्ट इसकी जो लास्ट की जर्नी होगी वो इसकी इनिशियल जर्नी के सिमेट्रिक रहेगी। तो 6 मीटर ट्रेवल करेगी 0.2 सेकंड में, तो यू कितना होगा, तो इसको वैल्यू पुट कर दी, तो यू अपना 31 आ गया, और 31 से फेंकेंगे तो कितनी हाइट आएगी 48 मीटर, तो 48 मीटर से छोड़ा गया। दैट इज़ व्हाट इज़ द रिवर्स वे ऑफ सॉल्विंग, जो कंडीशन इसकी लास्ट सर्टन टाइम इंटरवल में होती है वो इसकी फर्स्ट टाइम इंटरवल, ऐसे ऊपर जब जाती जो लास्ट सर्टन टाइम इंटरवल में होती है सेम टाइम इंटरवल में वो कंडीशन होती है उसकी नीचे आने की, ठीक है। तो ये ऐसा है, रिवर्स वे में करो, सोचो अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यू विल जस्ट गेट द क्लू। अदर मेथड इज आल्सो देयर, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 ट्रेवल कर रहे हो टाइम 0.2 में, तो एवरेज वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड आई, और एवरेज एक्सेलेरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ए इनटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड उसकी चेंज हो रही है इस ड्यूरेशन में जब वो क्रॉस कर रही 6 मीटर ट्रेवल कर रही, तो एवरेज वेलोसिटी को बीच में लिया हमने 30, तो चेंज 2 है तो सिमेट्रिक रहता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है सिमेट्रिक, तो जो फर्स्ट मिडवे की जर्नी वहाँ पर जो स्टार्टिंग ऑफ दिस 6 मीटर तो 29 रही होगी, लास्ट में 31, तभी तो 2 का चेंज होगा 30 से 1 पहले और 1 बाद में, तो जब हिट करेगी 31 से हिट करेगी सिमेट्रिक कंडीशन से, तो 31 मिल गई हमें, ड्रॉपिंग स्पीड तो 0 है, 31 से ऐड कर रही तो इससे भी 48 है ना। तो ये अदर वे ऑफ सॉल्विंग, और सम वॉट सिमिलर इज दिस वन आल्सो रिवर्स वे ऑफ सॉल्विंग, तो दिस थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 मीटर ऑन टू द सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू द 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, है ना। तो यहाँ से आई, पहले तो हाइट से छोड़ा, तो किस स्पीड से आके हिट करेगी सैंड को 2GH, तो ये 10G, G10 9.8 लेना है, बाद में लेंगे, तो इतनी स्पीड से, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी वो, ये 0, तो इनिशियल स्पीड ये 10G जो ऊपर से निकाली प्लस 2, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस ही ले रहे हैं सब, 0.2 ट्रेवल करके रुक रही है, तो ए नहीं 0.1 ट्रेवल करके रुक रही है वो
10 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1। तो यहाँ से हमने ए निकाल दिया, माइनस 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। माइनस नहीं दिया आंसर में, दिस ओके। तो ये रिटार्डेशन बोला इसलिए माइनस नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए माइनस हम हटा देंगे बाद में, डजन मैटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 10 क्वेश्चन एंड होप यू आर जस्ट अंडरस्टूड। ये इसको मैं एक बार और इसका सोल्यूशन दिखा दूँ तुम लोगों को, यू कैन टेक द स्नैपशॉट और यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, आई थिंक बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवर्स जर्नी वाला ये भी था एक, ओके। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।